यदि आप बोर्ड एग्जाम में सबसे टॉपर बनना चाहते हैं ना, तो आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। देखो, बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने के लिए बस 10 तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये 10 तरीका ही सिर्फ आपको अप्लाई करना है। ये 10 तरीका जो बच्चा अप्लाई कर लिया ना, याद रखना इस बार उसको टॉपर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इन 10 बातों को आप ध्यान से समझिएगा। पहली बात है, आप पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल बना लो और हर विषय पर टाइम आपको देना है। किसी एक विषय पर नहीं, हर विषय पर आपको बराबर टाइम देना है। कई बच्चे का मैथ बढ़िया होता है तो मैथ पर 5-5 घंटा पढ़ते हैं और सब विषय साफ नहीं पढ़ते। अरे बकलोल, कहीं कि इससे फेल हो जाओगे, इसलिए सारे विषय पर आपको बराबर टाइम देना है। दूसरी बात है, प्रतिदिन क्लास जाए, क्लास आपको अटेंड करना है। रोज का रोज आपको क्लास जाना है, स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है। कई बच्चे सिर्फ कोचिंग करते हैं। अरे बाबू, स्कूल भी जाओगे ना, तरह तरह की चीजें सीखने को मिलती है। देखो, सबसे बड़ी बात होती है आपका माइंड विकसित होना, माइंड को बड़ा करना। तो थोड़ा सा माहौल घूमना पड़ता है ना, इसलिए आप क्लास जाओ, स्कूल जाओ, कोचिंग जाओ, सब जाओ, रोज का रोज आपको अटेंड करना, कभी गैपिंग नहीं करना है। इससे आपको रोज अगर एक एक भी चीज सीख मिलती है ना, तो 365 दिन में 365 नई चीजें सीख मिलेगी। इसलिए क्लास आपको अटेंड करना है। और तीसरी बात है, पढ़ाई करने के लिए आपको नोट्स तैयार करना। मान लो कि मैथ का पहला चैप्टर पढ़ लिए तो उसका नोट्स तैयार कर लीजिए, फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ लिए उसका नोट्स तैयार कर लीजिए, या जियोग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ लिए उसका नोट्स तैयार कर लीजिए, या म्यूजिक का पहला चैप्टर पढ़ लिए तो उसका नोट्स तैयार करिए। मतलब जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे उसका नोट्स तैयार करिए, और नोट्स तैयार करके उसके बाद आपको पढ़ाई करना है, ताकि वो चैप्टर आपको मक्खन लगना शुरू हो जाए। चौथी बात है, सभी विषय में बेसिक से पढ़ाई करना है। देखो, जो भी आप टॉपिक पढ़ो, मान लो कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो बायोलॉजी का, या मान लो आप पढ़ रहे हैं कि नेफ्रॉन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं बायोलॉजी में ही, या मान लो आप श्वसन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसकी बेसिक बातों को पहले समझो, उसके जड़ को पकड़ो। देखो, अगर किसी भी चीज को तोड़ना है ना, तो उसके जड़ को तोड़ दो, काम खत्म। पेड़ को तोड़ना, उसके जड़ को उखाड़ दो, पेड़ सूख जाएगी। टहनी काटोगे तो फिर आपको लगना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी चीज होती है ना, उसको बेसिक से समझना। पढ़ाई में जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको बेसिक से आप समझिएगा। और पांचवी बात है, निरंतर अभ्यास और रिवीजन। देखो, जो भी आप चीज पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करो। मान लो कि 10 क्वेश्चन हमने आज याद करी, तो 10 क्वेश्चन को लिखो, उसका रिवीजन करो। रिवीजन करने से आपकी राइटिंग सुंदर हो जाएगी, आपकी लिखावट स्पीड मेंटेन हो जाएगा, और साथ में आपको वो चीजें हमेशा के लिए समझ में भी आ जाती है। तो यह ध्यान देना है। और साथ में छठी बात है, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ कर पढ़े। जो भी आप टॉपिक पढ़ो उसको समझो, रटना नहीं है, समझना है। ये सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार बोलता हूं ना, किसी भी चीज को रटो नहीं, रटना नहीं है, नॉट रिमेंबर। आपको क्या करना, अंडरस्टैंडिंग सिर्फ समझना है उसको, तो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। सातवीं बात है, एक ग्रुप बनाकर स्टडी करें। 4-5 बच्चों का ग्रुप बना लीजिए और क्या करना, आपको पूछताछ करना। मान लो क्या अपने ग्रुप में देना है, क्या ये 20 क्वेश्चन सबको याद करके आएगा। अब 20 क्वेश्चन हर बच्चे से पूछना है और हर बच्चा आपसे भी पूछेगा, तो इस तरह से आपका क्या होता है, 20 क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएगा। सोचो, अगर 5 बच्चे हैं, आप 5 बच्चों से 20 क्वेश्चन करी जा रही है, इसका मतलब 100 बार उस क्वेश्चन को किया गया, 20-25 100। किसी भी चीज को आप 100 बार सुन लीजिएगा ना यार, दिमाग में सही बैठ जाएगा। तो सबसे बड़ी फायदेमंद चीज होने वाली ग्रुप स्टडी। और यहाँ पर देखिए, 8वीं बात है, परीक्षा समय में कॉन्फिडेंस बनाए रखे। क्या होता है, जब परीक्षा नजदीक आती है ना, तो बच्चा अपना संतुलन खो देता है, वो टेंशन रहता है कि बाप रे जाएंगे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, अरे घंटा होगा, कुछ नहीं होगा, आपने ना चोरी किया, बलात्कार किया, ना डकैती किया, तो फिर डरते क्यों है, जाओ फाड़ के लिखाओ, बेचक डरना नहीं है, जो होगा सो देखा जाएगा, जो भी होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है, याद रखना, डरना नहीं है। तो परीक्षा के समय में कॉन्फिडेंस बनाकर रखना है। ये कॉन्फिडेंस क्या करती है, आपके सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाती है। अगर आपका कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाएगा, तो जो पहले चीज आप याद किए ना, वो सब चीज भी आप भूल जाएगा, तो कॉन्फिडेंस रखना है। और नवी बात है, जो चीजें आपको पढ़ाई पर से ध्यान भटका देती है ना, जैसे जब एग्जाम नजदीक आता है, तो बच्चे का ध्यान ज्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पर चला जाता है, सुंदर सुंदर कपड़ों पर चला जाता है, सुंदर सुंदर जूता पर चला जाता है, सुंदर लड़कियां सब सुंदर सुंदर लाली पर खाली चला जाता है ध्यान, बकलोल कहीं के। देखो, तो ध्यान हटाने वाली चीजों को अपने आप से दूर रखना, ये सबसे बड़ी बात होती है। जो चीज आपके पढ़ाई पर से ध्यान को हटाए, उसको तोड़ के उखाड़ के फेंक दो, काम खत्म। और दसवीं बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कमजोर विषय पर अधिक ध्यान देना। जो विषय आपका कमजोर, मान लो मैथ कमजोर है, फिजिक्स कमजोर है, केमिस्ट्री कमजोर है, म्यूजिक कमजोर है, फिलोसफी कमजोर है, या आपका होम साइंस कमजोर, जो भी विषय आपका कमजोर है ना, जिस क्लास में आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, तो उस पर क्या करना, ज्यादा आपको टाइम देना है। ये 10 बातें आपको समझ में आ गई होगी, इन 10 बातों को अप्लाई करना शुरू करिए, आप रियलिटी इस साल के टॉपर बनेंगे, और जिस बोर्ड से आप एग्जाम दे रहे उस बोर्ड के आप टॉपर बनेंगे। हाँ, लेकिन सभी पर आप टाइम देना शुरू करेंगे, तब आप टॉपर बन सकते हैं, अन्यथा जिंदगी भर ख्याली पुलाव पकाते रह जाओगे ना, कभी टॉपर नहीं बन पाओगे। तो ये सब चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और आपके लिए कितना मैं चिल्ला रहा हूं, कितना मेहनत कर रहा हूं, कितनी नई नई टेक्निक आपको दे रहा हूं, ताकि आप टॉपर बन जाए। बाबू, आप लोग एक बार टॉपर बन जाएगा ना,
हम लोग का क्या ना सीना चौड़ा हो जाए, चलो कम से कम हम लोग का जो मेहनत है ना वो सफल हो गया। देखो हम टीचर्स लोग क्या करते हैं, सिर्फ आपको मार्ग दिखा सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलना आप ही को है, चलना आप ही को है, ये रास्ता है, इस पर चलना आपको। अब इसको अप्लाई करके आप टॉपर बनिए, और टॉपर बनना भी पड़ेगा आपको, याद रखिएगा, अगर इसको अप्लाई करेगा तो आप टॉपर बन जाएगा। इस बात को, इस वीडियो को, इस आवाज को भारत के हर कोने तक फैलाइए, ताकि हर विद्यार्थी इस चीज को समझ सके कि टॉपर बनने के लिए बस 10 चीजें ही चाहिए। तो विद्यार्थी तक पहुंचाइए मेरी आवाज को, कम से कम मैं अपनी आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं, तो आप मेरी आवाज को भारत के हर कोने तक फैलाइए, ताकि सारे बच्चे टॉपर की तैयारी कर सके। जय हिंद, वंदे मातरम।